खेड हॉकी का सब तो वड्डा नाम, इन्ना महान ते कमाल का खिडारी कि उसनू हॉकी प्लेयर नहीं सगो विश्व हॉकी दे जादूगर दे नाम नाल संबोधित किया जाता सी। इन्ना जादुई सी इन्हां नू खेडदे देखना कि एक टीम ने तो इन्हां दी हॉकी भी तोड़ के देख ली कि खौरे किते इहदे विच कोई चुंबक तो नहीं कि बॉल उस नाल चिपकी ही रहिंदी है ते किसी होर कोल जांदी ही नहीं। गल कर रहे हाँ ध्यान सिंह जिन्हां नू अज असीं ध्यान चंद भी आखदे हाँ। हॉकी खेड दे दिग्गज मेजर ध्यान चंद का जन्म 29 अगस्त 1905 उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर विच जिसनू अज प्रयागराज कहिंदे हन विच होया। उन्हां दी माता का नाम श्रद्धा सिंह ते पिता का नाम समेश्वर सिंह सी जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी विच एक सिपाही सन। पिता के नक्शे कदमां ते चलदे ओह भी 16 साल की उम्र विच आर्मी विच भर्ती हो गए ते इत्थों ही उन्होंने अपना हॉकी का रोमांचक सफ़र शुरू किया। उन्हें कई आर्मी हॉकी प्रतियोगितावां विच हिस्सा लिया ते अपने हुनर की झलक दिखाणी शुरू कर दित्ती। इस दे नाल ही उन्हां नूं अपना नाम भी मिलिया। ध्यान चंद का असल नाम ध्यान सिंह सी। वह हॉकी की प्रैक्टिस विच इन्ना रुझ जांदे सी कि ड्यूटी आर्स तो बाद भी रात नूं प्रैक्टिस लई आउंदे। उदों लाइट्स नहीं हुंदियां सी ते ग्राउंड विच इसलई वह चन्न चढ़न का इंतजार करते हुंदे सी ते उहदी रोशनी विच तैयारी करते। इस तरह उन्हां दे नाम दे नाल चंद शब्द जुड़ गया क्योंकि नाल दे अफसर भी उन्हां नूं चंद कह के पुकारन लगे सी। मेजर ध्यान चंद की खेड का आलम कुछ अजिहा सी कि जे बॉल उन्हां दे कोल आ गई तो विरोधी टीम नूं फिक्र पै जांदी सी। उन्हां दे बेमिसाल प्रदर्शन कारण 1926 इंडियन आर्मी की टीम न्यूजीलैंड के दौरे पर जा पाई। उत्थे जाके उन्हां दूजियां टीमों के छक्के छुड़ा दिते ते कुल 18 मैच जित ले। इन्हां जित्तां कारण जदों वह वापस इंडिया आए तो उन्हां नूं ब्रिटिश आर्मी के पंजाब रेजीमेंट विच लांस नायक बना दिता। 1928 के ओलंपिक्स जो एम्सटरडैम विच होए उत्थे भी उन्हां ने अपनी जादूगरी की। कुल 14 गोल करके ध्यान चंद इस ओलंपिक्स के सब तो ज़्यादा गोल करन वाले खिडारी बने ते टीम नू गोल्ड मैडल भी दवाया। इस तरह हौली हौली विश्व पद्धर ते उन्हां दी खेड दे प्रशंसक वधदे गए। जिस तरह बॉल लंबे समय ते उन्हां दी हॉकी दा साथ नहीं सी छड़दी लोकां नू उन्हां ते शक भी बड़ा हुंदा सी। इसे दे चलदे नीदरलैंड विच उन्हां दी हॉकी स्टिक तोड़ के तसली की गई कि उस दे विच कोई चुंबक तां नहीं लग्गिया होया। ध्यान चंद माहिर ही इन्ने सी कि उन्हां नू हॉकी ग्राउंड की पूरी जांच सी जिद्दां दिमाग विच कोई कंप्यूटर फिट किया होवे। ये भी पता हुंदा सी कि केड़ा प्लेयर कित्थे खड़ा होएगा ते बिना नज़र उपर किते तां वो पास कर दिया करदे सी। उन्होंने हॉकी का सुनहरी दौर सिरजिया। कई बारी सामने वाली टीम देखती रह जाती सी कि वह गोल करते वक्त कि तकनीक की वरतों करते हैं। 1932 दी ओलंपिक्स विच दुनिया भर में आर्थिक हालात बहुत माड़े सी, इसलिए सिर्फ 3 टीम ही खेडिया, अमेरिका, इंडिया ते जापान। इंडिया ने अमेरिका नू 24-1 नाल हराया ते जापान नू 11-1 नाल। इन्हां कुल 35 गोलों में 12 ध्यान चंद दे सी ते 13 उन्हां दे वड्डे भरा रूप सिंह दे सी। इह शानदार प्रदर्शन करके उन्हां नू लोग हॉकी ट्विंस भी आखदे सी। उन्हां नाल जुड़िया एक किस्सा बहुत मशहूर है। कहिंदे ने कि जदों साल 1936 बर्लिन ओलंपिक्स होईआं तां ध्यान चंद दी खेड दा जादू पूरे जर्मनी विच छा गया। लोग कहिंदे सी कि भारत तों कोई हॉकी दा जादूगर ही आया है। इस ओलंपिक्स विच भी भारत ने गोल्ड मैडल हासिल किया। कि कहिंदे ने कि उस वक्त दे तानाशाह हिटलर नूं भी उन्हां दी खेड बहुत पसंद आई ते प्रभावित होकर उन्होंने ध्यान चंद नूं जर्मनी वल्लों खेडण दी ऑफर भी दित्ती ते फौज विच वड्डा अहुदा भी। पर ध्यान चंद ने इस नूं ठुकरा दित्ता ते भारती कलवाउणा ही बेहतर समझिया। बर्लिन तो वापस मुड़ वह फिर आर्मी हॉकी विच रुझ गए। ध्यान चंद ने 1956 विच आर्मी सर्विस तो रिटायरमेंट ले ली ते बाद विच वह नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला विखे कोच के पद ते भी रहे। अपने पूरे इंटरनेशनल हॉकी करियर विच हॉकी दे इस जादूगर ने 400 तो वध गोल मारे। भारत सरकार ने उन्हां नूं भारत दे तीजे सब तो उच्चे सन्मान जाने कि पद्म भूषण नाल भी सन्मानिया। उन्हां दा जन्मदिन 29 अगस्त नूं भारत विच नैशनल स्पोर्ट्स डे वजों मनाया जाता है ते इसे दिन राजीव गांधी खेड रत्न अवार्ड, अर्जुना अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड राष्ट्रपति वल्लों दित्ते जांदे हन। इस हॉकी लैजेंड ने 74 साल की उम्र विच सन 1979 दुनिया नू अपनी आखिरी सलाम की। उन्हां दे जीवन की खास जानकारी उन्हां दी ऑटोबायोग्राफी विच मौजूद है जिसका नाम है गोल ते ओ 1952 विच पब्लिश की गई सी। हॉकी का वह अथाह खूबसूरत दौर ते भारत दा खेडां विच उच्चा नाम सिरजन विच ध्यान चंद दा बहुत वड्डा योगदान है। उन्हां दा किरदार ते खेड विचला जादू इस कदर असरदार है
कि अज भी असी हॉकी दे महान खिडारी बारे सोचिए या हिंदुस्तान दे सब तो वड्डे खिडारियों की लिस्ट बनानी होवे तां इन्हां दा नाम सब तो पहला आउंदा रहेगा।